दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं योर ऑनलाइन पार्टनर। बहुत बहुत स्वागत है आपका NISDLET के वीडियो लेक्चर सीरीज में, जहां पर की कोर्स 504 और 505 का वीडियोस हम लोग देखते हैं। इससे पहले का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कोर्स 504 और 505 दोनों के सीरीज का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से कि आप जाके पहले का वीडियोज देख सकते हैं। आगे का वीडियोज भी इसी सीरीज में डाला जाएगा। आज हम लोग जो देखेंगे दोस्तों, वो है कोर्स 504 का 19वां वीडियो, जो कि हमारा यहाँ पर ब्लॉक 2 के अंतर्गत पड़ता है और ब्लॉक 2 के अंतर्गत इकाई 5 अभी हम लोग देख रहे हैं। इकाई 5 में हम लोग अंक गणित तथा अनुप्रयोग आज शुरू करेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे एकिक नियम। इससे पहले हमने जो है प्राकृत संख्या देखी, परिमेय संख्या देखा और उसके बाद अभाज्य संख्या देखा, इस प्रकार के बहुत सारे चीजें हमने देखी। आज हम यहां पर देखेंगे एकिक नियम। एकिक नियम के बारे में अगर हम लोग देखें तो यहां पर कहा जा रहा है, कुछ एग्जाम्पल देके पहले आपको बताया जा रहा है, जिसमें यह कहा गया कि मान लीजिए कि 20 बच्चों को बराबर बच्चों वाले 5 समूह में अगर आपको विभक्त करना है तो आप क्या करेंगे। मतलब अगर मान लीजिए 20 बच्चे हैं और आपको कहना है कि 5 का समूह बनाओ, तो आप उसको कैसे विभाजित करेंगे। तो नॉर्मली तो आप जानते हैं कि 20 बच्चे अगर आपके पास हैं और 5 समूह बनाना है, तो हर एक समूह में 4-4 बच्चे होंगे। आपने क्या किया, 20 को 5 से डिवाइड किया, 20 डिवाइडेड बाय 5, तो आपका हो गया 4। तो उससे आप समझ गए कि 4-4 बच्चे को हर ग्रुप में हमको यहाँ पर रखना है। तो इसको यहाँ पर जो है, अगर जो है स्टार्टिंग की विधि से बनाया जाए तो उसे कैसा कर किया जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 20 बच्चे अगर आप हैं तो उसमें से आपको कहा जा रहा है कि 5 समूह में बनाना है। अभी आपको ये पता नहीं है कि 4 बच्चों को एक समूह में रखना है, आपको सिर्फ इतना पता है कि 5 समूह में बनाना है। तो आप क्या करेंगे, 5 समूह बना देंगे, मतलब 5 जगह अलग अलग कर देंगे और उसके बाद एक एक बच्चे को भेजेंगे। तो पहली बार अगर आप एक एक बच्चे को भेजे तो ग्रुप ए बी सी डी ई, मान लीजिए 5 ग्रुप बना, तो 5ों ग्रुप में एक एक बच्चा चला गया। तो अब यहाँ पर आप क्या देखते हैं कि आपके पास 20 बच्चे थे, उसमें से 5 बच्चे चले गए, अब आपके पास 15 बच्चे रह गए। उसके बाद सेकेंड राउंड में आप क्या करेंगे, फिर से एक एक बच्चे को भेजेंगे। तो उसमें क्या होगा कि आपका हर ग्रुप में अब 2-2 बच्चा हो गया। आपके पास 15 था तो 15 में से 5 होके अब आपके पास बस 10 बच्चे रह गए। फिर आप क्या करेंगे, तीसरे में आप फिर से एक और बच्चे सारे ग्रुप में भेजेंगे, तो 10 में से आपका 5 और चला गया बच्चा, तो आपके पास बसा 5 बच्चा बचा, और उस 5 बच्चे को आप फिर से चौथी बार जो है सारे ग्रुप में भेज देंगे। तो यहाँ पर आप फाइनली देखेंगे कि हर ग्रुप में आपका 4-4 बच्चा यहाँ पर हो गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है इसका खंडन किया जा सकता है, या मतलब एक जो है विस्तृत रूप से इसको दिखाया जा सकता है। अगर आपको एग्जाम में आता है एकिक नियम, तो एकिक नियम अगर आपका बड़े क्वेश्चन में आता है तो आपको इस हिसाब से लिखना पड़ेगा कि किस प्रकार से इसे जो है ये फॉर्मूला बनता है। तो इस प्रकार से जो है 4-4 बच्चे हर ग्रुप में रह गए। तो यहाँ पर आगे लिखा हुआ है कि किंतु हम जानते हैं कि 20 में से 5 अगर हमें यहाँ पर ग्रुप बनाना है, तो हम यहाँ पर 20 में से 5 को भागा दे देंगे तो हमारा 4 निकल जाता है, जिससे हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि हम 4 बच्चे एक ग्रुप में रखेंगे। उसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है कि यदि समान साइज वाले 5 बर्तन में 20 लीटर दूध हो, तो एक बर्तन में कितना दूध होगा। तो मान लीजिए कि 20 लीटर दूध है और उसके बाद 5 बर्तन है, तो हम क्या करेंगे, 20 लीटर डिवाइडेड बाय 5, तो कितना हो गया, 4। तो हर एक बर्तन में हमारा कितना दूध हो गया, 4 लीटर हो गया। यहाँ पर मटेरियल में थोड़ा सा मिस्टेक है, देखिए 20 लीटर डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 4 लीटर होना चाहिए, इन्होंने प्लस लिख दिया है, यहाँ पे इक्वल टू होगा। तो 20 लीटर डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 4, तो 20 लीटर में से 5 बर्तन है, तो हर बर्तन में हमारा 4-4 लीटर दूध है। उसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल है कि यदि 5 मीटर पट्टी का मूल्य 20 रुपया है, तो 1 मीटर पट्टी का मूल्य क्या होगा। तो चूंकि 5 लीटर पट्टी का मूल्य 5 मीटर पट्टी का मूल्य 20 रुपया है, तो 20 डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे यहां पर भी, तो मूल्य हो जाएगा 4 रुपया हो जाएगा आपका 1 मीटर पट्टी का मूल्य। तो चूंकि आपका 5 मीटर पट्टी का मूल्य 20 रुपया दिया हुआ था, तो ये यहां पर कहा जा रहा है कि आइए अब हमें इनके अनेक, मतलब हम अनेक के लिए परिकलित करें जब हमें एक के लिए दिया हुआ हो। अब यहाँ पर देखिए क्या कहा हुआ है, अभी हमने क्या किया है कि अगर 5 का आपको दिया हुआ है तो 1 का निकालिए। अब यहाँ पर इसका अपोजिट आपको बोला जा रहा है, जब आपको 1 का दिया हो तब आप ज़्यादा का कैसे निकालिए। मान लीजिए आपको एक पेन का मूल्य, एक कलम का मूल्य 8 रुपया दिया हुआ है, तो 3 पेन का मूल्य क्या होगा, तो 8 + 8 + 8, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 8 × 3, तो यहाँ पर हो गया 24 रुपया। यहाँ पर देखना क्या है, देखना ये है कि जब आपको 5 का दिया हुआ था, 1 का निकालना था, तो आपने डिवाइड किया, और जब आपको 1 का दिया हुआ है और ज़्यादा का 3 का निकालना था, तो आपने
यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, गुना किया। तो ये चीजें यहाँ पर महत्वपूर्ण है, जिससे कि आपका यहाँ पर एग्जाम क्वेश्चन अभी निकलेगा, हम आपको बताएंगे। इसके बाद अन्य एग्जाम्पल यहाँ पर दे रहा है कि यदि नमक के एक पैकेट का भार 600 ग्राम है, तो चार पैकेट का भार कितना होगा? तो 600 ग्राम गुना चार हो जाएगा, क्योंकि एक का दिया हुआ है हमको, चार का निकालना है, तो ये हो जाएगा 2400 ग्राम, यानी कि 2.4 kg। इसी प्रकार से दिया हुआ है कि यदि तेल के एक मर्दमान में 12 लीटर तेल है, तो पांच मर्दमान में कितना होगा? चूंकि ज्यादा का निकालना है, तो 12 गुना 5 हो गया, 60 लीटर तेल हो गया। यहाँ पर कहा जा रहा है कि हमने जो है विभिन्न चार एग्जाम्पल देखे। जिस पहला वाला जो देखा वो बर्तन का देखा, तो उसकी माप जो है धारिता में है। लंबाई देखा तो उसका मूल्य है। पैकेट की संख्या देखा तो उसका भार है। और मर्दमान देखा तो उसकी धारिता है। तो ये चीजें यहाँ पर हम जो है हमने एग्जाम्पल में देखा। तो उपयुक्त उदाहरण में जितना गुना पहला चर राशि है, उतना गुना दूसरा चर राशि भी है। तो मान लीजिए कि अगर आप एक का मूल्य आपका 8 रुपया है, तो तीन का मूल्य कितना होगा? तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में अगर आप देखिए, तो जो चीज एक चाहिए था, वो अब आपको तीन चाहिए, उसका मूल्य भी उधर 3 गुना हो गया। तो यही कहा जा रहा है कि पहला चर राशि जितना गुना हो रहा है, मान लीजिए लंबाई को आप जितना बढ़ा रहे हैं, वो मूल्य भी उतना बढ़ रहा है। तो ये चीजें यहाँ पर कही जा रही है कि अगर मान लीजिए बर्तन की संख्या आप दुगुनी करते हैं, तो धारिता भी दुगुनी होगी। अगर आप कह रहे हैं कि 1 kg का मूल्य 5 रुपया है, तो अगर आप 2 kg चाहिए, तो 1 kg में आप 2 गुना किए, तो 5 रुपया अगर उधर है, तो वो भी 2 गुना हो जाएगा, तो वो 10 रुपया हो जाएगा उसका रेट। तो यही कह रहा है कि पहला चल राशि जितना गुना होगा, दूसरा चल राशि भी उतना ही गुना होगा। तो यहां से हमें निकलता है कि जब हमें अनेक के लिए ज्ञात हो और एक के लिए परिकलित करना हो, तो हम भाग देते हैं। देखिए, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया कि जब हमें अनेक के लिए ज्ञात हो और एक के लिए परिकलित करना हो, तो हम क्या करते हैं? तो हम भाग देते हैं। अब इसमें ऑप्शन में आपका रहेगा भाग देते हैं, गुना करते हैं, जोड़ करते हैं, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आपका आंसर होगा भाग देते हैं। इसी का उल्टा हो जाएगा, जब हमें सिर्फ एक के लिए ज्ञात हो और हम अनेक के लिए परिकलित करना चाहते हैं, मतलब अनेक के लिए निकालना चाहते हैं, तो हम उसके लिए गुना देते हैं। तो ये स्लाइटली डिफरेंस है कि जब हमें अनेक के लिए दिया हुआ है, एक के लिए निकालना है, तो भाग देंगे, और एक के लिए दिया हुआ है, अनेक के लिए निकालना है, तो हम गुना करेंगे। यही पर आपका एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल के आता है कि अनुलोम विचरण क्या है और प्रतिलोम विचरण क्या है, या इन दोनों में डिफरेंस क्या है, वो अब हम यहाँ पर देखेंगे। तो यही कहा जा रहा है कि ऐसे चर राशि के युग्म जिनमें जितने गुना एक होती है, उतने गुना दूसरी होती है, उसको अनुलोम विचरण कहते हैं। तो मतलब कि अगर आप इधर लेफ्ट साइड में गुना करें, मतलब कि अगर आप 1 kg था, अब आपको 2 kg चाहिए, तो 5 रुपया दाम था, तो 10 रुपया हो जाएगा। तो एक तरफ जितना गुना होता है, दूसरा तरफ भी उतना ही गुना होता है, उसको अनुलोम विचरण कहते हैं। और इसका अपोजिट हो जाएगा प्रतिलोम विचरण, जबकि आप अब हम आगे देखेंगे कि वो प्रतिलोम विचरण का एग्जाम्पल क्या है और वो कैसे निकलता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर अगर आपको दिया गया कि कोई काम, अगर मान लीजिए कि जो है एक आदमी किसी काम को 18 दिन में करता है, तो दो आदमी उस काम को कितने दिन में करेगा? हम उसको यहाँ पर एक लेफ्ट साइड में क्या कर रहे हैं, एक आदमी पहले काम कर रहा था, अब दुगुना कर दिए, दो आदमी काम कर रहा है। तो राइट साइड में देखिए, तो एक आदमी काम 18 दिन में कर रहा था, तो दो आदमी हम अब 36 नहीं करेंगे, उसको हम भागा देंगे, उसको हम आधा करेंगे। इसको कहते हैं प्रतिलोम विचरण। इसको भी और हम आगे देखेंगे। तो जिसमें देखिए लिखा हुआ है कि तीन कामगार किसी कार्य को 5 दिन में पूरा करते हैं, तो यदि एक कामगार उस कार्य को करेगा, तो उसको कितना दिन लगेगा? तो यहाँ पर अगर आप देखिए, तो इसका प्रतिलोम हो रहा है। तो तीन कामगार 5 दिन में पूरा करते हैं, तो एक कामगार अगर काम करेगा, तो अब यहाँ पर कामगार घट गया है, लेकिन इधर क्या होगा, दिन बढ़ेगा, क्योंकि तीन कामगार 5 दिन में करता था, तो अब एक को तीनों का काम करना पड़ेगा, तो 5 + 5 + 5, तो टोटल यहाँ पर 15 दिन काम करना पड़ेगा। इसको कहते हैं प्रतिलोम विचरण। और अनुलोम विचरण अभी आपने देखा था कि अगर एक का मूल्य 5 रुपया है, तो दो का मूल्य 10 रुपया हो जाएगा। यहाँ पर है कि तीन कामगार मिलकर 5 दिन में करता है, तो एक कामगार को जो है, मतलब कामगार घट गया, तो यहाँ पर दिन बढ़ जाएगा। तो ये हो गया प्रतिलोम, उल्टा हो जाता है ना। इसी में कहा जा रहा है कि अतएव यह देखा गया है कि यदि तीन कामगार किसी कार्य को 5 दिन में पूरा करते हैं, तो एक कामगार उसे 15 दिन में पूरा करेंगे। उसी प्रकार और एग्जाम्पल है कि यदि 8 व्यक्ति भोजन की किसी मात्रा को 5 दिन में समाप्त करते हैं, मतलब 8 आदमी मिलके 5 दिन में किसी खाना को खा जाते हैं, तो एक आदमी जो है उसको खाने में ज्यादा दिन लगाएगा, मतलब आदमी घट गया है लेकिन दिन बढ़ जाएगा, तो 8 × 5 यानी कि 40 दिन में वो आदमी इस खाने को खाएगा। अगला है कि यदि एक व्यक्ति किसी कार्य को 24 दिन में पूरा करता है, तो 3 व्यक्ति उस कार्य को
अब यहां पर क्या होगा, देखिए व्यक्ति बढ़ गया है तो यहां पर कार्य क्या हो जाएगा, कार्य का दिन वो घट जाएगा, क्योंकि एक व्यक्ति 24 दिन में कर रहा था तो अब तीन व्यक्ति लग गया, तो उसमें 24 डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे, ना कि 24 गुना 3। तो इस केस में यहां पर प्रतिलोम हो रहा है, तो 24 डिवाइडेड बाय 3 हो गया, तो 8 दिन में ही वो पूरा कर लेगा जब तीन आदमी लग जाएगा। तो आगे है कि यदि एक व्यक्ति भोजन के किसी भंडार को 30 दिन में समाप्त करता है तो पांच व्यक्ति उसको कितने दिन में समाप्त करेगा, तो पांच व्यक्ति तो कम ही दिन में समाप्त कर देगा, तो 30 डिवाइडेड बाय 5 मतलब कि 6 दिन में ही समाप्त कर देगा। तो यहाँ पर हमने एक तरफ क्या देखा कि भोजन का भंडार को समाप्त करने के लिए व्यक्तियों की संख्या और समाप्त करने में लिया जाने वाला समय, ये पूरा अपोजिट हो जा रहा है। पिछले बार में हमने क्या देखा था कि एक काम को क्या कहते हैं, एक चीज़ का मूल्य है अगर 5 रुपया तो डबल कर दिए दो चीज़ का मूल्य तो डबल हो गया उधर 10 रुपया, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो जा रहा है। तो जैसा कि हमने देखा कि प्रथम चर राशि दुगुनी हो जाए तो दूसरी आधी हो जाती है, मतलब उल्टा काम हो रहा है। तो यदि प्रथम चर राशि 1/4 है तो दूसरी 4 गुनी हो जाएगी। चर राशियों के उपयुक्त युग्म जो है प्रतिलोम विचरण कहलाते हैं। तो यही होगा आपका अनुलोम विचरण जो हमने देखा पहले, ये हो गया आपका प्रतिलोम विचरण। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल एक दिया हुआ है कि कोई काम ए है एक आदमी, वो अगर 24 दिन में करता है, और बी है एक आदमी जो 18 दिन में करता है, तो ए बी मिलके अगर काम करना मान लीजिए शुरू कर दिया और 14 दिन के बाद ए ने काम करना छोड़ दिया, तो उस कार्य को पूरा होने में कितना समय लगेगा। यहाँ पर 14 दिन लिखा हुआ है लेकिन बेसिकली ये गलत है, क्योंकि ये जो सॉल्व किया हुआ है वो 4 दिन के हिसाब से सॉल्व किया है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा थोड़ा मिस्टेक है इस मटेरियल में जो मैं सुधार रहा हूँ आपके लिए। तो ये क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि 4 दिन बाद अगर ए ने काम करना छोड़ दिया तो पूरा होने में कितना समय लगेगा। तो देखिए ए अकेला उसको 24 दिन में करेगा, बी अकेला उसको 18 दिन में करेगा, और यहाँ पर दोनों में साथ मिलकर 4 दिन काम किया, उसके बाद जो है ए कार्य छोड़ दिया, अब आपको बी ही बस बचा कार्य करवाने के लिए। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, चूंकि 4 दिन सब मिलके दोनों मिलके काम किया है, तो 4 दिन का दोनों का काम देख लेंगे कि 4 दिन दोनों मिलके कितना काम कर दिया, उसके बाद कितना काम बचा। जितना काम बचेगा 4 दिन के बाद उसको बी को अकेला करना पड़ेगा, तो फिर देख लेंगे कि बी अकेला उस उतना काम को कितना दिन में करेगा, फिर दोनों को जोड़ देंगे, 4 दिन इधर हुआ, बाकी जो बी जितना समय ले बाद में दोनों को जोड़ देंगे, तो हमारा पूरा यहाँ पर निकल जाएगा समय। तो इसी के लिए कह रहा है यहाँ पर कि ए जो है 24 दिन में पूरा कर सकता है कार्य, तो एक दिन में ए कितना करेगा, ये प्रतिलोम वाला। तो एक दिन में जो है एक करेगा 1/24 काम, क्योंकि 24 दिन वो लगता है उसको, तो 1/24 उसको लगेगा, एक दिन का कार्य उसका हुआ। अगर इसी तरीके का बी देखे तो बी 18 दिन में कार्य पूरा करता है, तो बी का एक दिन का काम हो जाएगा 1/18, तो टोटल 18 दिन वो लगता है पूरे काम को करने में, तो प्रतिलोम है यहाँ पर, तो 1/18 हो गया। अब यहाँ पर दोनों का एक एक दिन का काम हम निकाल लिए हैं, एक बटा चौबीस हो गया आपका ए का काम और 1/18 हो गया बी का काम, तो दोनों मिला के एक दिन में कितना काम करेगा, तो दोनों को जोड़ देंगे 1/24 + 1/18, तो ये हो गया आपका ए तथा बी द्वारा जो है मिलकर एक दिन में कितना काम किया गया। तो 1/24 ए किया, 1/18 बी किया, तो दोनों मिला के हो गया 7/72। तो 7/72 एक दिन में ए और बी दोनों मिलके करता है। अब ये 4 दिन में कितना करेगा, तो 7/72 × 4, तो 4 दिन का काम निकल जाएगा, तो वो हो गया हमारा 7/18, मतलब 4 × 7/72 किए, तो ये कट कुट के हो गया 7/18। अब यहाँ पर काम कितना बचा, टोटल काम था एक, उसमें से 7/18 ये लोग 4 दिन में कर दिया है, तो 1 - 7/18 अगर हम लोग कर देंगे तो हमको बचता है 11/18। तो मतलब 7/18 काम जो है ए और बी मिलके कर दिया, 11/18 काम अब बचा है जो खाली बी करेगा, सिर्फ और सिर्फ बी करेगा। तो बी के लिए अब देखिए बी एक दिन में कितना काम करता है, 1/18 काम करता है, बी को अभी काम कितना बचा है करने के लिए, 11/18 बचा है। तो चूंकि ये प्रतिलोम विचरण है तो हमको क्या करना है, 11/18 में से जितना काम बचा है, मतलब 11/18 काम बचा है उसमें से भागा दे देंगे कि ए बी जो है एक दिन में कितना करता है, बी एक दिन में 1/18 करता है, तो 11/18 काम में से भागा दे देंगे 1/18 को, जो कि बी एक दिन में करता है उसको भागा दे देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 11। तो चूंकि 11/18 भागा 1/18 है, तो भागा को अगर हमको गुना में लिखना है तो उल्टा कर देते हैं, तो ये 1/18 को 18/1 लिख के गुना कर देंगे 11/18 से, तो 11/18 × 18/1, 18/18 कट गया, बचा 11, तो 11 दिन लगेगा। तो मतलब शुरू में 4 दिन दोनों मिल के किया, अब बी अगर जो बाकी काम बचा था उसको बी 11 दिन में किया, तो 4 दिन उधर लगा, 11 दिन इधर लगा, तो टोटल 15 दिन उस काम करने में लगा, जबकि 4 दिन जो है शुरू में ए और बी मिल के किया था और बी अकेला किया था।
यहीं पर, यहाँ पर देखिए, अब आपका यहाँ पर दो फॉर्मूला निकल के आता है। तो एक एक नियम द्वारा परिकरण के निम्नलिखित व्यापकीकरण किए जाने की आवश्यकता है। इसमें ये दो फॉर्मूला आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इकाई समय में किया गया कार्य क्या होता है? तो इकाई समय में किया गया कार्य होता है किया गया कार्य डिवाइडेड बाय कार्य करने में लिया गया समय। तो अगर आप सोचते हैं कि एक के लिए निकालना चाहते हैं कि एक समय में कितना कार्य किया गया है, तो टोटल जो है किया गया कार्य जितना है उसमें से हम भागा दे देंगे कार्य करने में जितना समय लिया गया है उससे, तो हमको निकल जाएगा इकाई समय में किया गया कार्य। उसी तरीके से बोला जाता है वांछित समय, मतलब कितना समय बचता है उसके लिए कहा जाता है, मतलब जरूरी समय कितना है उसके लिए, कितना समय चाहिए उसके लिए है कि जितना कार्य करना है, किया जाने वाला कार्य जितना कार्य करना है उसमें से भागा दे देंगे इकाई समय में किया गया कार्य, तो वो हमारा निकल जाएगा कि कितना समय इसके लिए जो है वांछित है, कितना समय इसके लिए चाहिए। तो ये चीजें यहाँ पर दो फॉर्मूला है, इसको आप नोट कर सकते हैं जो कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ से जो हमने देखा, तो मेनली आपका जो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है वो हमने अभी आपको बताया है। तो पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर है, तो एक एक नियम में आपको यहाँ पर दो मेनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलता है। वो दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर है। पहला तो ये है कि जब हम अनेक के लिए ज्ञात करते हैं और एक के लिए परिकलित करना है तो क्या करेंगे, तो भाग देंगे। दूसरा क्वेश्चन है, जब हमें एक के लिए ज्ञात हो अनेक के लिए परिकलित करना है तो क्या करेंगे, तो गुणा करेंगे, हो गया। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है कि अनुलोम विचरण क्या है और प्रतिलोम विचरण क्या है, ये दोनों में आपको डिफरेंस भी पूछ सकता है, तो आपको एग्जाम्पल के साथ बनाना पड़ेगा। और जब आपसे एक एक नियम पूछा जा सकता है तो आप उदाहरण के साथ बनाएंगे, और हो सके तो ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है पहले आप पाँच को भेजेंगे, फिर पाँच को भेजेंगे, इस प्रकार से भेजेंगे, ऐसे अगर लिखेंगे और आपका बड़े क्वेश्चन में आता है, अगर लघु उत्तरीय प्रश्न में भी आता है, तो ये अगर एग्जाम्पल के साथ आप लिख देते हैं तो आपका मार्क्स कोई नहीं काटेगा। तो यहाँ पर हमने एक एक नियम आज देख लिया। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे प्रतिशत, प्रतिशतता का नियम। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, और अब हम यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी उस चैप्टर से निकलता है, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय या ऑब्जेक्टिव, सब कुछ हम आपको साथ में बताते जा रहे हैं। तो आप एक भी वीडियो मिस मत करिए, और जो भी प्रश्न यहाँ पे किया जा रहा है और जो भी यहाँ पर जो है कंसेप्ट बताया जा रहा है उसे अच्छे से समझने की कोशिश करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, लाइक कर दीजिए वीडियो को अगर आपको पसंद आता है हमारा वीडियो, और शेयर करिए लोगों के साथ अगर आप भी लोगों की मदद करना चाहते हैं तो, कमेंट करिए कोई सुझाव या सलाह है तो, और अगर आप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे में आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन मिलेगा, उससे दबा के आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और उसके बाद बगल में बेल आइकन आएगा या टर्न ऑन नोटिफिकेशन का आएगा, उसे दबा देंगे तो आगे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आएगी तो डायरेक्ट आपके मोबाइल पर मिल जाएगी। ये सब बिल्कुल मुफ्त है। मिलेंगे नए वीडियो में। बाय बाय। जय हिंद।